सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जीएसके का सैल्यूट। तो दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा अलग होने वाला है। आज इस ब्लॉग में हम करेंगे हमारे चीते की सर्विस। तो एक्चुअली बात क्या है कि सर्विस ड्यू है, इसकी पहली सर्विस है बजाज पल्सर 150 की। तो क्योंकि मैंने अपनी बाइक का नाम चीता रखा है तो ऑब्वियसली मैं चीता ही बोलूँगा। तो हमने बजाज वालों को फ़ोन किया कि भाई आप ईएमआई के लिए तो हमें हर वक्त हर समय मैसेज करते रहते हो, रिमाइंडर देते रहते हो कि आपकी ईएमआई लगने वाली है, आप ईएमआई के लिए तैयार रहिए, अपने अकाउंट को वेल मेंटेन रखिए। तो क्या दिक्कत क्या है कि आप हमारी सर्विस के लिए हमें रिमाइंडर क्यों नहीं भेजते? क्या बाइक की सर्विस करना आपकी प्रायोरिटी नहीं है? तो जवाब तो वही मिलता है जो अक्सर कंपनी वाले देते हैं, सॉरी सर। तो एक्चुअली पहली सर्विस है, तो अभी लॉकडाउन के चलते बजाज के जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो सभी बंद हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्विस कर ली जाए, क्योंकि दुकानें भी बंद हैं। तो सर्विस करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम आज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो चीते को नहलाया जाएगा शैम्पू के साथ, थोड़ा सैनिटाइज भी करेंगे उसे, और उसके बाद में सर्विस की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वॉच टिल द एंड। तो शुरू करता हूँ, चलिए चलते हैं। हाँ तो भाई लोग, चीते ने स्नान कर लिया है, एकदम फर्स्ट क्लास चीते का स्नान हो चुका है। अब हम चीते की करेंगे सर्विस। तो सर्विस के लिए हम लेकर आए हैं जी मोटुल का 7100 सीरीज़ में 2050, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो ये बेस्ट रहेगा। और यदि होती, वैसे ये रिकमेंड करते हैं 200 सीसी पल्सर के लिए, 220 के लिए, 220 एवेंजर के लिए, और पल्सर के लिए वो कहते हैं कि 5100 इस्तेमाल करो, लेकिन हमने थोड़ा अपग्रेड लिया है, ये 7100 सीरीज़ में आता है। और अगर तो होती सर्दियाँ, फिर हम यूज़ करते 540 को, थोड़ा वो पतला होता है। तो जैसे कि अभी हिल स्टेशन में लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ 540 ही बेस्ट है, क्योंकि सर्दी में आपको पता है तेल जल्दी जमता है, तो गर्मी में यह सही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ये जो कवर हैं ये खोलेंगे और उसके बाद सर्विस।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा चीते की सर्विस हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है सर्विस करना। हम लोग वैसे ही थोड़ी आलस कर जाते हैं और हम पीछे भी इसीलिए हैं। आप ये गोरों को देखो, 200-250 साल यूं ही राज नहीं कर गए, वो अपना काम खुद करते हैं। कोई इंडिया घूमने भी आएंगे तो कुली नहीं करेंगे, अपना लगेज पिट्ठू अपना खुद उठाएंगे। तो उसी तरह उनके घर में कोई भी गाड़ी हो या किसी पेंट करना हो या कुछ भी करना हो वो खुद कर लेते हैं। तो इसीलिए सर्विस भी आप खुद कर सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ी नॉलेज वाली लगे, तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, क्योंकि मेहनत लगती है और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ मैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक थम्स अप तो बनता ही है। तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ और आपको बता ही देता हूँ चैन लुब्रिकेशन पर वीडियो बनेगी कि आपकी चेन को आपने लुब्रिकेंट कैसे करना है, कैसे उसको साफ़ करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ब्रश कैसा है और सो एंड सो जो भी है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो चेन लुब्रिकेंट पर ही बनेगी, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते, अब इस तरह के ब्लॉग ही आपको दिखाऊँगा मैं। कमेंट में आप वैसे भी मुझे बता सकते हो कि आपको और किस तरह के कॉन्टेंट पसंद है, कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप कहीं गुरुद्वारा साहब के बारे में किसी दूसरे गुरुद्वारा साहब का टूर करवाना चाहते हो, जैसे ऑलरेडी मैंने सुल्तानपुर लोधी के जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, जिसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राब रखा।